नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने WhatsApp के अंदर किसी भी स्टेटस को म्यूट कर दिया और अगर आपको उसको अनम्यूट करना है, मतलब गलती से अगर आपने उसको म्यूट कर दिया और पता नहीं कैसे अनम्यूट करते, तो मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि आप WhatsApp के अंदर किसी भी स्टेटस को जिसको आपने म्यूट किया है उसको आप अनम्यूट कैसे कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको WhatsApp के अंदर स्टेटस को अनम्यूट करना है तो सिंपली हम चले जाएंगे हमारे WhatsApp के अंदर। WhatsApp के अंदर जाने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ऊपर की तरफ जो तीन ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, चैट, स्टेटस और कॉल्स, तो वहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना स्टेटस के ऊपर। स्टेटस के ऊपर क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो म्यूटेड अपडेट्स यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि दोस्तों मैंने सारे कॉन्टैक्ट जो कुछ भी मेरे थे उनको म्यूट कर दिया है। उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो मेरे कॉन्टैक्ट के अंदर सारे कॉन्टैक्ट, मतलब मैंने जो कुछ भी स्टेटस थे सारे स्टेटस को मैंने यहाँ पे म्यूट कर दिया है। सो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे स्टेटस है जिनको मैंने यहाँ पे म्यूट कर दिया है। तो सिंपली फर्स्ट वाला जो स्टेटस है दोस्तों उसको मैं यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करूँगा। उसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कैंसिल और अनम्यूट के दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपको कैंसिल करना है तो कैंसिल भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अनम्यूट करना है, मतलब उनको ऊपर की तरफ लाना है, म्यूट से निकाल देना है, तो यहाँ पे हम सिंपली क्लिक कर देंगे अनम्यूट के ऊपर। अनम्यूट के ऊपर जैसे क्लिक कर देते दोस्तों, यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो हमारे जो स्टेटस है उनके अंदर दो सेक्शन देखने को मिल रहे हैं। ऊपर की तरफ जो रिसेंट अपडेट्स है, मतलब वहाँ पे जो स्टेटस है वो आ चुका है, और नीचे की तरफ जो सारे म्यूट स्टेटस है वो थोड़े ब्लर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसी प्रकार से आपको स्टेटस को अनम्यूट कर देना, और ऊपर का जो स्टेटस है दोस्तों यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ, और जो ऊपर वाला स्टेटस है दोस्तों वो आप ओपनली देख सकते हो, और उसका अगर आपको म्यूट करना तो म्यूट भी आप इजीली कर सकते हो। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप जो अपने म्यूट स्टेटस थे उनको अनम्यूट कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो के लिए लाइक कर देना, और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।